तो दोस्तों यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है गरवाजी वाटरफॉल, तो वहाँ लेकर चलता हूँ आपको, गरवाजी वाटरफॉल की तरफ चलते चलते हैं। जो भी मैं मगरमच्छ पॉइंट गया था, तो दोस्तों वहाँ पे ना सर्दियों में आने का फ़ायदा है, इस वक्त गर्मी में तो अभी क्या है कि मगरमच्छ बाहर नहीं निकलते, वो सर्दियों में क्योंकि उनकी बॉडी ठंडी होती है तो गर्म होने के लिए धूप में बाहर निकलते हैं वो लोग। अभी तो मुश्किल ही मिलते हैं देखने को, या तो सुबह सुबह दिख जाते होंगे, अभी तो भाई नहीं दिखे मेरे को खुद भी। तो गांव के बीचों बीच से निकल रहा है रास्ता, बहुत ही सुंदर है, मतलब आसपास क्या खेत है, चारों दोनों तरफ खेत है, हरियाली है और बीच में रास्ता, और वाटर क्रॉसिंग तो ऑटोमेटिक पड़ेगी इस वक्त बरसात का मौसम है, तो भाई लगातार वाटर क्रॉसिंग करते हुए ये देखो। पूछ लेता हूँ एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ इधर, भाई गरवाजी इधर, तो छोटा सा गांव है, सुंदर सा, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, बहुत प्यारे, कोई कह दे यहाँ मेरे दोस्तों। कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ी वाले, देखना। तो दोस्तों बस पहुंचने वाला हूँ लेक के, मतलब झरने के पास, वाटरफॉल के पास, गरवाजी। ओ भाई साहब भीड़ देखो, पब्लिक देखो, पब्लिक भाई, लंगूर है यहाँ तो बहुत सारे, अरे आके लगा दे भाई। भाई ये झूला खेल रहे हैं ये देखो, तो दोस्तों मैं पहुंचा गरवाजी वाटरफॉल और यहाँ पर है भाई लंगूर बांदर, जिनका आतंक बहुत ज्यादा है। वही भाई कह रहा था पार्किंग वाला कि भाई ऐसी बाइकों को छोड़ते नहीं है, कूदते हैं इस पे, तो लेकिन अब मैं आगे जा रहा हूँ। तो ये भाई मंदिर है यहाँ पे, प्राचीन मंदिर गरवाजी महाराज का, और जो वाटरफॉल का रास्ता है वो इस साइड से निकलता है। तो भाई आवाज सुन रहे हो, अल्लाह गुल्ला हो रहा है इसका मतलब वाटरफॉल चालू है। तो भाई कह रहा था ना वाटरफॉल नहीं है, नहीं है, उन्हें मैं दिखाता हूँ वाटरफॉल। कुछ इस तरह का रास्ता बना हुआ है, आवाज तो बहुत सारी आ रही है भाई लड़कों की, और रास्ता कुछ इस तरह है, पत्थरों से भरा हुआ, उसके बाद खुद
तो भाई जो जो कहते हैं वाटरफॉल नहीं है ये दिखाता हूँ मैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर झरना है, दरवाजी वाटरफॉल पीछे देख सकते हैं आप। तो नहाने का मेरा भी मन कर रहा है क्योंकि गर्मी यार पसीने पसीने हो रहा है। एक कपड़े सारे बाइक के अंदर। तो भाई आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। और ये भाई गरवा जी, आप सिली से लेक आते हो तो वहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, 6-7 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे कुल मिला साफ क्लीन है बिल्कुल, ये नहीं गंदा है, बिल्कुल साफ देख सकते हो। तो अभी आगे निकलता हूँ पांडव पुल की तरफ, तो भाई लेट हो जाऊँगा तो फिर अंदर एंट्री नहीं होगी, तो वहाँ निकलते हैं। बहुत सारा बहुत लंबा रास्ता है, 50 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहीं निकलते हैं अभी। तो मैं भी दोस्तों वीडियो एकदम बने रहे, अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो आते हैं उसे आप कनेक्ट हो सको। लव यू।